चुके हैं, एक्सीडेंटली पहुंच गए हम इधर, एक्सीडेंटली रास्ता भूल गए हैं, भूल ही गए हम लोग को लगता है कि रॉन्ग पाथ में हम लोग, और अपने पीछे कोई भी नहीं है, हम लोग दोनों ही सिर्फ एडवेंचर कर रहे हैं। ये हम तो फिर 999 को बुलाना पड़ेगा। गाइस ये सेकंड वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत है, और प्रिया देखिए आगे जाती हुई, बहुत ही अच्छा वाइब है। स्टीफ है देखो, ये है ऐसे 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 रास्ते हैं तो, और इधर तो पत्थर ही पत्थर। गाइस अभी हमने दो वाटरफॉल किए हैं, तीसरे वाटरफॉल की तरफ हम जाने वाले हैं, हमको रास्ता नहीं मिल रहा है तो थोड़ा हम रेस्ट कर रहे हैं, और फिर थोड़ा दिमाग लगा के देख लेंगे इधर उधर और निकल पड़ेंगे थर्ड वाटरफॉल के लिए। ये थर्ड वाटरफॉल के लिए एक्चुअली बहुत तो टफ है रास्ता भी, देखिए ऐसे ऐसे रास्ता है, ऐसे जंगल से जाना पड़ता है, खाली में हम लोग बैठे जंगल में ही बैठे, हमने अपना खुद का नेविगेशन लगाया है अभी, और अभी खुद की तरह जा रहे हैं, यहाँ पे नेविगेशन काम नहीं कर रहा है। हाँ इधर सिग्नल भी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो ऐसे ही चलते जा रहे हैं हम फ्लो में, वाटर फ्लो के इसमें आवाज़ आ रही है वाटरफॉल की, वैसे हम लोग वो आवाज को कैप्चर कर रहे हैं और वैसे वैसे जा रहे हैं। इधर नजदीक ही है अभी, आवाज तो आ रहा है नजदीक है। तो गाइस ये हमारा अभी वाटरफॉल नहीं है, लेकिन हम रुके हैं बीच में रास्ते में, क्योंकि हमको भी अभी भूख लगी और हम तो टायर्ड भी हो गए थे, हम रुके हैं और इधर एंजॉय कर रहे हैं पानी का, आप देख सकते हो कैसे कैसे ढूंढ ढूंढ के आ गए। हाँ हम लोग ऊपर से आ गए वापस ऊपर चले गए, तो अभी वापस ऊपर जाके वापस नीचे आ गए, अभी हम आगे ये रास्ता फॉलो करेंगे और तीसरे वाटरफॉल की तरफ जाएंगे। तो गाइस ये अभी हमारा चौथा वाटरफॉल नहीं, थर्ड वाटरफॉल, तो गाइस लगता है वो छोटा वाला था ना, वो मतलब वो थर्ड था और ये फोर्थ है। ये तो हमारा अभी थर्ड की फोर्थ हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इधर एंड पॉइंट है, तो हम अभी आके जा के देखेंगे कि हमको और एक मिलता है। ये अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं, नज़दीक ही नज़दीक कैसा लग रहा है? टाटा बाय बाय। जब भी रास्ता अच्छे नहीं होते तो ये ऐसे प्लैंक्स भी है, आप उन पर चल सकते हैं। तो अभी गाइस हम इधर 25 इधर से थर्ड देख चुके हैं, तो फोर्थ वन अभी देखने जा रहे हैं, बहुत स्टीप है देख सकते हैं। कैसे फीलिंग? डेड
ओके गाइस देखते हैं अगर और चलने को होगा तो अभी चौथा भी करेंगे तो सीधा देखते हैं किधर किधर जा सकते हैं ना। हमने अभी तीन वाटरफॉल्स किए, पहले हम लोग ने आपको चार बोले थे, फिर कंफ्यूजन हुआ, फिर तीन बोले, तो अभी हम लोग ने एक्चुअल में तीन ही वाटरफॉल लिखे हैं। अभी फोर्थ हम लोग देखने जा रहे हैं। इजी नहीं है इतना वॉक करना क्योंकि रोड भी पेबल्स वाला रोड है, पत्थर का रोड है, तो इतना ईजी नहीं होता है चलने के लिए। सो हमने अभी तीन किए, ये चौथा वाला बाकी है। 10 मिनट्स लगेंगे, 10 मिनट्स बोलते पर 10 मिनट्स नहीं होगा। ये हीरा 10 मिनट्स लगेंगे इधर से वॉक से, और इधर से हमको वापस 3 माइल्स वॉक करना पड़ेगा। तो देखते 10 मिनट्स मतलब 10 मिनट्स नहीं है क्योंकि रास्ता भी इतना सीधा नहीं है ना। और हमने अभी पूरा वॉक नीचे से कर रहे थे हम लोग, तो पूरा वे कच्चा था और जगह भी नहीं थी, और ये पूरा हम नीचे से आए थे और ये अभी ऊपर से आ जा रहे हैं। देखते आगे कितना टाइम लगेगा, और 10 मिनट बोल रहे हैं लेकिन कितना लगेगा मालूम नहीं, देखते चल के मालूम करेंगे। प्रिया का हाल देखिए। मेरा भी एक्चुअली हाल बेकार हुआ है लेकिन वीडियो के चक्कर में कर रहे हैं हम लोग, लेकिन देखते कुछ एडवेंचर भी हो गया नेचर को लव करने के चक्कर में अपने। अच्छा लग रहा है नेचर, हाँ नेचर के चक्कर में अपनी लगा दी ये अच्छा है, लेकिन थोड़ा चलने तो भी हो गया, चल भी रहे देखते। तो गाइस ये है द फोर्थ वाटरफॉल, तो गाइस ये है द फोर्थ वाटरफॉल। आगे पड़ रहा है, मैं पीछे हूँ, इधर से एक पार्क में है तो हम इधर आ जा भी सकते हैं, पीछे से स्लीपरी है बहुत, तो ध्यान से इधर आगे भी है बहुत, इधर ड्रोन भी उड़ाया किसने। तो देखता हूँ आगे जाने की, ओके तो ये आप इधर से भी आ सकते हैं, और ये देखिए क्रॉस, मेरा DSLR उधर है, तो आप देख सकते हैं इधर वाटरफॉल, इधर कोई लोग ड्रोन भी उड़ा रहे हैं देखिए। ओके तो मैं इधर हूँ और मुझे ये पहाड़ करके ऊपर जाना पड़ेगा, ये अच्छा है। सो गाइस हम उधर नीचे जाके आए थे, अभी बहुत डीप है और हमको अभी 2 किलोमीटर और चलना है। कितना डीप है देखिए। प्रिया कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मैंने गाइस तीन ही वाटरफॉल किए, फोर्थ वन मैंने किया नहीं क्योंकि फोर्थ वन 108 स्टेप्स नीचे उतरने थे फिर ऊपर आना था, तो मैं पूरी एग्जॉस्ट हुई थी,
पर मैंने तीन वाटरफॉल, थोड़ा बहुत 108 स्टेप्स थे, बहुत डीप भी था वो, और तो वैसे वो दो वाटरफॉल के लिए था, मतलब थर्ड वाटरफॉल में और फोर्थ में 108 स्टेप्स नीचे, 100 मतलब ज़्यादा ही थे वो। हाँ, तो हमने क्या किया, पहले दो वाटरफॉल के लिए नीचे से रास्ते से गए, कच्चे रास्ते से, उधर हिली एरिया थे, रॉक थे, और थर्ड और फोर्थ थोड़े लंबे थे, थर्ड और फोर्थ वाटरफॉल थोड़े लंबे थे, तो हमने ऊपर का रास्ता लिया। तो ऊपर से रास्ते से नीचे स्टेप जाना पड़ता है, तो उसमें लगभग एक थर्ड वाटरफॉल पे 102 स्टेप्स थे और फोर वाटरफॉल में 108 स्टेप्स थे, तो उसमें एग्जॉस्ट, हाँ, तो एक एक दो मिस भी हो, बोल रहे थे 108 102, तो एक दो स्टेप्स मिस भी हो गए होंगे, लेकिन बहुत डीप था तो उसमें एग्जॉस्ट हो गए। हाँ, लेकिन थोड़ा नेचर मज़ा आया चल के भी, और हाँ, भगवान की कृपा से सुखरूप भी है, बच भी गए हैं और चल भी रहे। एक जगह पे तो खो गए थे और माउंटेन हिली एरिया में फंस गए थे, रास्ता नहीं मिला था। एक्चुअली यहाँ पे उन्होंने पॉइंट्स लगाए हैं, देखिए ऐसे ऐसे वाटरफॉल से इधर छोटे छोटे पॉइंट्स, मिस मत करना आप। हाँ, पॉइंट्स है इधर, तो वो पॉइंट्स मिस मत कीजिए, मिस करोगे तो हमारे जैसे किधर भी खो जाओगे। तो देखते आगे, अभी और 20 मिनट भी है चलने के लिए हमको, देखते आगे कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट 15 मिनट चलने के लिए, तो उसी हिसाब से हाँ देखेंगे, थक जाते हैं कि एनर्जी रहेगी तो। मुझे okay. तो एनर्जी नहीं थी अभी, तो ऐसे व्यूज भी हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो देख लीजिए ऐसे रास्ते भी डीप डीप है, और इधर वाटरफॉल एक्चुअली माउंटेन एरिया है, तो ऐसे थोड़े थोड़े जगह से पानी आता रहता है और फ्लो होता रहता है। देखेंगे गैस, बहुत ही हिली एरिया, अच्छा एडवेंचर था। हाँ, अच्छा एडवेंचर था, मज़ा आ गया, देखते ऐसे करना चाहिए टाइम निकल के, मज़ा आता है। तो अगली बार नॉर्थ विल्स में जाएंगे हम, कभी जाएंगे वो मालूम नहीं, लेकिन जाएंगे ज़रूर। इधर से भी रास्ता है, ये सेकेंड वाटरफॉल के लिए इधर से रास्ता है, लेकिन हमने वो नीचे से कर लिया था। ओके, तो चलिए ये देखिए, ये सेकेंड वाटरफॉल के लिए है। ओके, तो चलिए चलते हैं। ये जा देखो, ऐसे बीच बीच में अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन। हेलो, तो सेकंड वाटरफॉल इधर ही है, तो आप इधर से जाओगे तो बहुत चलना पड़ेगा, तो एक मतलब काम कीजिए, एग्जॉस्ट हो जाओगे पूरी तरह से, या बहुत एग्जॉस्ट, एनर्जी नहीं बचेगी। नीचे नीचे से जाओ, फर्स्ट वाटरफॉल करो, फिर सेकंड वाटरफॉल नीचे से ही करो आप, ये तीनों मतलब नीचे से करो, और फोर्थ वाला आपको चढ़ना ही पड़ेगा। फोर्थ के लिए शॉर्टकट नहीं है, फोर्थ के लिए आपको चॉइस नहीं है, सेकेंड फर्स्ट और थर्ड नीचे से जाओ आप, हो सकता है नीचे से जाओगे तो आराम से पहुंच जाओगे, ऊपर से जाओगे तो नीचे आना पड़ेगा और ऊपर भी आना पड़ेगा, तो नीचे से जाओ कच्चे रच्चे से, वो अच्छा होगा, और लास्ट वाटरफॉल फोर्थ वाटरफॉल ऊपर से जाओ। नीचे से जाओगे तो वहाँ पे पॉइंट्स नहीं है लिखे हुए, जैसे कि इन्होंने मार्किंग की हुए पॉइंट्स लिखे हुए, तो वो पॉइंट्स आपको नहीं मिलेगा, मिलेंगे तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, हमारे जैसे हम लोग बीच में खो गए थे, ये हम लोग अपना इंडियन जुगाड़ टीम जैसा चल रहे थे, और यहाँ पहुँच गए, थोड़ा टाइम लगा, थोड़े भगवान ने साथ दिया, क्योंकि हाँ कच्चा रास्ता है, पूरा कच्चा, ये पक्का रास्ता है जो उन्होंने दिया है। ओके, तो मार्किंग है, लेकिन थोड़ा लंबा रास्ता है, लेकिन सेफ भी है, अलग रास्ते से जाओगे तो बहुत डिफ़िकल्टी है और बहुत हार्ड है वो उधर से आना।
इधर आप एक कॉफी शॉप भी है, तो यू वांट टू हैव अ ड्रिंक और एनीथिंग यू कैन हैव इट ओवर हियर एज वेल. या छोटा सा ये आपकी कॉफी बर्गर्स एनीथिंग यू कैन बाय फ्रॉम हियर एज वेल. हमने अभी 4 वाटरफॉल्स कंप्लीट किए हैं कार्डिफ साउथ वेल्स में और हमको टोटल लगा 4.5 आवर्स. तो ये अप्रॉक्स 6 माइल्स होते हैं. हमने अपने वीडियो में पूरा कवर किया है. और इधर आने के लिए आपको सेफ्टी शूज़ इज़ अ मस्ट बोले तो नहीं, तो स्लिपरी होंगे तो आप बहुत स्लिपरी है. इधर आप दो रास्ते हैं, कच्चा रास्ता और पक्का रास्ता. तो आप कच्चे रास्ते से जाओगे तो बहुत आपको केयरफुल रहना पड़ेगा. ये स्लिपरी बहुत है इधर. ओके, और पक्का रास्ते जाओगे तो स्लिपरी उतना नहीं है लेकिन स्लिपरी है. और पक्के रास्ते से ही जाओ क्योंकि वहाँ पे मार्किंग्स भी है, आपको अच्छे से समझ में आएगा कैसे जाना है. पर वहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन हो सकता है क्योंकि ऊपर नीचे बहुत चढ़ना पड़ रहा है. अगर कच्चे रास्ते से जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है. पर एक वाटरफॉल की जगह पे आप मतलब मिस भी हो सकता है, मतलब मिस हो सकता है, नहीं तो खो जाने के चांसेस है. मतलब पक्के रास्ते जाओगे ना, आपको पॉइंट आउट दिया है कि कौन सा वाटरफॉल किधर शॉर्ट कट से आप किधर जा सकते हो. पक्के रास्ते से जाओगे तो वो फ़ायदा है, कच्चे से रास्ते से जाओगे तो कुछ नहीं है मार्किंग, आप किधर पहुँचे के मालूम भी नहीं है. तो ये बेनिफिट है. तो हमको टोटल लगा 10 माइल्स को हमने क्रॉस की है चल के ही, और जाने को 5 माइल्स और की 5 या 6 माइल से ऊपर और आने को 5 या 6 माइल्स. हमने काउंट नहीं किया लेकिन अप्रॉक्स 4 वो बोलते हैं कि 4 वाटरफॉल्स क्रॉस करने को 6 माइल्स लगते. तो मालूम नहीं ज़्यादा ही लगेगा, हम थक गए, पूरा ड्रेन भी हो चुके हैं. अभी हमको ड्राइव भी करना है बहुत लंबा. तो इसी के साथ, हमारा वीडियो पसंद आए तो हमको लाइक थम्सअप दीजिए और कमेंट पास करें और सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़.